अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे लोअर दिर। लोअर दिर की वो खूबसूरत खूबसूरत जगह जो बहुत ही सुकून दे और नेचुरल ब्यूटी से भरे है। तो हम आपको दिखाएंगे आज लोअर दिर में वाकिया गुलीबाग टॉप। हम पैदल रास्ता है यहाँ पर, क्योंकि सड़क नहीं है तो यहाँ तक सड़क नामुमकिन है बनाना, तो इसलिए हम आप पैदल लेके चलेंगे। और यहाँ के लोकल का कहना है कि कोई 3 घंटों का रास्ता है गुलीबाग टॉप तक, तो आइए चलते। और तो ओके नाज़रीन, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नए नए वीडियो आपको बरोक मिल सके। अच्छा नाज़रीन, तो ये जो सामने वाली पहाड़ है ये अफर दिर में आता है। अभी ये लोअर दिर का बॉर्डर है, बस उससे आगे जो है ये सारे वो लोअरी टॉप वगैरह सब, ये सामने जो है ये बरवल गांव है, बरवल बांडा। और यहाँ से ये जो बादल दिखाई दे रहा है ये है यहाँ पर लोअरी टॉप है, फिर आगे चतराल वगैरह, और इस तरफ ये जो है ये अपर दिर में अब आता है ऊपर। ये जो हम खड़े हैं ये अब लोअर दिर में आता है और वो अपर दिर है। तो अभी गुलीबाग टॉप को थोड़ा सा रास्ता रह गया है, हम जा रहे हैं इंशाल्लाह हमारे साथ। अच्छा जी, तो ये बारिश शुरू हो गया और बहुत ही दुश्वार गुजार रास्ता है, बिल्कुल पहाड़ के साइड पे चलना होता है। अगर बारिश भी है तो अगर पाँव पिसल गया तो इंतहाई नीची काई में जाओगे। और अभी ये हम जा रहे हैं, बस अभी
कोशिश कर रहे हैं कि पहुंच जाए, लेकिन बारिश ने रोका तो रोक लेंगे कि कहाँ पर, और फिर बारिश रोकने तक इंतज़ार करेंगे। अभी थोड़ा बारिश स्लो है, अगर ज़्यादा हो गया तो कहीं चुप जाएंगे। चलो चलो अच्छा जी, तो बारिश ने रोकने का नाम ही नहीं ले रहे, तो बस हमने यहाँ पर पड़ाव डाला और खाना पका के जाएंगे इंशाल्लाह। खाना साथ लेके गुलीबाग में खाएंगे, और यहाँ पर हम पका रहे तो चिकन वगैरह है, गोश्त है, और अभी हम इसको पका रहे हैं। हमारे भाई इसको जानते हैं पकाना, तो अभी हम इंशाल्लाह यहाँ पर पकी पकाई करके ऊपर जाएंगे और फिर वहाँ पर खाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो पैसे पूरे हो गए, हम पहुंच गए। बस ये जो सामने टॉप है, ये इसको कहते हैं गुलीबाग टॉप, और हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं इसको कहते हैं दरवाज़ों का अंडा। तो अभी हम जाएंगे, बस आधे घंटे का हाइकिंग रह गया, तो इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि वीडियो कैसे लगा। इंशाल्लाह अपना